नमस्कार, गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं अरुण शर्मा। आज गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर जिस तरह से भारत ने सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है, ये साफ दर्शाता है कि भारत का डिफेंस क्षेत्र दुनिया भर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की जो रक्षा तैयारियां हैं, इसके लिहाज से देखा जाए तो भारत ने गजब की सफलता हासिल की है। हमारी सेना ने जहां उड़ी, पठानकोट और नगरोटा जैसे आतंकवादी हमलों को का जो दुश्मनों को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिकीकरण के मोर्चे पर भी हमने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारत में जो हल्के लड़ाकू विमान जो तेजस है, इसका निर्माण किया गया है, तो T-90 टैंक से लेकर के ब्रह्मोस मिसाइल तक भारत के मेक इन इंडिया पहल का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। लेकिन जिस तरह से बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में देश के डिफेंस सेक्टर की भी इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। और किस तरह से ये उम्मीदें पूरी करते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली, और क्या कुछ फोकस रहेगा इस बार बजट में जहां तक डिफेंस क्षेत्र की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए नई सोच नया बजट के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट उदय भास्कर, स्वागत है सर आपका इस शो में, और लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जो कि पूर्व वाइस चीफ आर्मी स्टाफ के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले इस रिपोर्ट को देखने की कोशिश करते हैं। 1 फरवरी को जब बजट पेश किया जाएगा तो रक्षा क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास होगा, सबकी निगाहें इस बात पर होंगी। 2016 में सरकार की ओर से सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन आने वाले बजट में भी सेनाओं के आधुनिकीकरण के साथ कई रक्षा करारों के लिए भी धन की जरूरत होगी। क्या कुछ रहेगा फोकस, देखते हैं यह रिपोर्ट। एक फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे तो सबकी निगाहें इस बात पर भी होंगी कि आखिर रक्षा क्षेत्र के हिस्से में क्या आया। तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के साथ ही जरूरी साजो सामान के लिए रक्षा मंत्रालय के बजट में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। पिछले 3 सालों की बात की जाए तो रक्षा बजट में करीब हर साल 10% की वृद्धि की गई है। 2016 के रक्षा बजट में 2,58,00,000,000 का आवंटन किया गया था। 2017 की बात करें तो रक्षा सौदों के लिए राफेल विमान समेत रक्षा मंत्रालय के कई अहम महत्वपूर्ण सौदों के लिए करीब 1,50,00,000,000 रुपए से ज्यादा की जरूरत होगी। अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए सरकार का ध्यान अब रक्षा निर्माण क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर है। मेक इन इंडिया के तहत सरकार की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि देश में घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि सरकार की ओर से सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया गया है और पिछले करीब 1 दशक के दौरान हुई देरी की भरपाई कर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। नवंबर 2016 में रक्षा मंत्रालय की ओर से सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए करीब 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के साजो सामान को मंजूरी दी गई। इसके तहत 83 तेजस Mk-1A का ऑर्डर दिया गया, जिन पर करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा करीब 13,000 करोड़ रुपए की कीमत वाले 464 T-90 टैंक और 1,100 करोड़ की कीमत के 598 मिनी UAV की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। यदि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण व सैन्य उपकरणों की खरीद पर नजर डाली जाए तो वायुसेना का खर्च सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसे बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के अलावा अन्य विमानों की भी जरूरत है। 2016 में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल लड़ाकू विमान का सौदा इस मामले में काफी अहम है। इसके साथ ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर का सौदा $3 बिलियन में बोइंग और अमेरिकी सरकार के साथ हुआ है। इन हेलीकॉप्टर के वायुसेना में शामिल होने से वायुसेना की मारक क्षमता के साथ ही परिचालन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। जब वायुसेना के विमानों की संख्या बढ़ेगी तभी पाकिस्तान व चीन की सीमा पर विमानों की तैनाती बढ़ाई जा सकेगी। थल सेना की जरूरतों की तरफ ध्यान दिया जाए तो इसके तोपखाने को मजबूती प्रदान की जानी है। इसके लिए अमेरिका से 5,000 करोड़ रुपए के 145M777 हल्के होविट्ज़र तोपों की खरीद का करार हो चुका है। इसके साथ ही थल सेना का हेलीकॉप्टर बेड़ा मजबूत किया जाना है। इसके अलावा बड़ी संख्या में टैंकों, असॉल्ट राइफलों, स्नो स्कूटर, सुरंगरोधी वाहनों, बुलेट प्रूफ जैकेटों, रॉकेट लॉन्चरों व नाइट विजन चश्मे की जरूरत है। इनकी खरीदारी का खर्च 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। इसी तरह नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 8,500 करोड़ रुपए में 8 P-8I-2 विमान खरीदने का सौदा पहले हो चुका है। इसके अलावा 49 युद्ध पोतों को तैयार किए जाने का आदेश विभिन्न शिपयार्ड के पास है। सरकार की ओर से सेना के तीनों अंगों को आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों से लैस करने की आवश्यकता को समझा है और इस दिशा में ठोस कदम भी उठाए हैं। भारत सबसे बड़ा रक्षा सामग्री का खरीदार है। 70% आपूर्ति विदेशी उपकरणों से होती है। विश्व में हथियारों की खरीद में भारत की हिस्सेदारी अकेले 14% की है, जो चीन एवं पाकिस्तान की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। सुरक्षा बलों को उम्मीद है जितना समर्थन उनकी जरूरतों को मिला है वो आगे भी जारी रहेगा और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार बजट में वाजिब प्रावधान करेगी। सुधीर यादव, TT न्यूज, दिल्ली।
चलिए वैश्विक मोर्चे पर डिफेंस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भारत लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन बजट से भी इस क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, उदय आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले क्या मात्र हम जो बजट के जो आवंटन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, साल दर साल 10% के आसपास का बजट हम आवंटन बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या केवल बजट आवंटन को बढ़ाना एक प्रायोरिटी होना चाहिए, या जिस तरह से शेखतकर कमेटी में साफ तौर पर कहा गया था कि जो सिस्टमिक इनिफिशियंसीज है उसे भी फिक्स करने की ज़रूरत है, फोकस किस तरफ ज़्यादा होना चाहिए? जो आपने अभी जिक्र किया है, हमारे जो कमियाँ हैं वो ज़्यादा सिस्टेमिक है, यानी कि बार बार पैसों की बात होती है। और पिछले साल जैसे उदाहरण के लिए भारत ने अपने डिफेंस बजट के लिए करीब 2,49,000 करोड़ों की हमने एलोकेशन किया था, वो काफ़ी एक साइजेबल अमाउंट है, करीब 40 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के आसपास है। पर अगर आप पिछले 20 साल का जो समीक्षा करेंगे, 20 साल में से 12 साल में भारत सरकार ने डिफेंस मिनिस्ट्री के पैसे को वापस ले लिया, अर्थात ये कि हमें उसके खर्च नहीं कर पाए हैं। अगर आप फिगर्स को बारीकी तरीके से देखेंगे, जिन 12 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 90% इसके आसपास हम खर्च कर पाए हैं और बाकी अनस्पेंट अमाउंट वापस सरकार को चला गया। इसका निष्कर्ष क्या है या इसका अर्थात क्या है कि हमारे जो प्रोसीजर्स हैं वो इतने जटिल हैं, इतने वो स्लो हैं, और इतने फाइनेंशियल रेगुलेशंस हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसकी वजह से फुर्तीलता एक लक्षण नहीं है। ठीक है, दूसरा संक्षेप में, पिछले 30 साल से मैं कहूंगा कि राजीव गांधी साहब के जमाने से लेके आज तक दो हमारे ऊपर बड़े बोझ है, एक है ये बोफर्स का जो स्कैंडल है, दूसरा है HDW सबरी, यानी कि ये जो करप्शन का जो मामला है उसकी वजह से पूरा जो डिसीजन मेकिंग का ढांचा काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, स्लो हो गया है। और ये मैं कहूंगा कि इसलिए शेखतकर कमेटी ने जो भी रेखांकित किया है, ये प्रोसीजरल जो सिस्टमिक डेफिशिएंसीज है उनके ऊपर ज्यादा अहम या एम्फेसिस देना मैं कहूंगा कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जनरल कादियान, आपसे समझना चाहेंगे ये जो डिले होते हैं आखिर होते क्यों हैं? जिस तरह DPP भी हमने देखा, जिस तरह के अनाउंसमेंट परिकर साहब ने किया, उसके बाद कुछ तेज़ी हमने आती हुई देखी, लेकिन बावजूद इसके जो प्रोसीजर जो डिलेज आते हैं, चाहे वो खरीदारी के मामले में हो, जब तक टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, जब तक हम लोग खरीद करके आगे बढ़ते हैं, तो ये डिलेज को अगर कट शॉर्ट किया जा सके, क्या बजट इस मोर्चे पर कोई डायरेक्शन दे सकता है आपके लिहाज से? ठीक है, पहले तो बजट जो कमोडोर उदय भास्करन का है, बिल्कुल सही कहा है, बजट की कभी कमी नहीं रही है। दूसरा, बजट को सिर्फ GDP के परसेंटेज के हिसाब से देखना भी सही नहीं, क्योंकि GDP तो हर साल बढ़ती जाएगी, तो अगर हम फिक्स परसेंटेज भी रखें तो बजट आपका एक्चुअल क्वांटम बढ़ता जाएगा। वो नया जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो बोफर और सबमरीन के टाइम की करप्शन थी, तो पुरानी सरकार तो जो ही थोड़ी सी बू आती थी उस कंपनी को भी बैन कर देते, ठीक है, उसमें भी सुधार किया है कि बैन करो तो स्पेसिफिक इवेंट के लिए पैसे देने के बाद भी ब्लैकलिस्ट कर देते थे। हाँ, ब्लैकलिस्ट, अगर आपने ब्लैकलिस्ट करना तो सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड या एक इक्विपमेंट के भी ये नहीं लेंगे, बाकी हम लोग परचेस करते रहेंगे। हाँ, ठीक है। दूसरा, डिले इसलिए भी होती है कि जब भी आप कोई ऑर्डर देते हो प्रोसीजर निकाल के, उसमें जेस्टेशन पीरियड होता है, डिफेंस इक्विपमेंट में जो सप्लायर है वो भी टाइम लेता है उसको मैन्युफैक्चर करने की। हमारे रिक्वायरमेंट आधुनिकीकरण की 3 लेवल पर है, एक तो स्ट्रेटेजिक लेवल जिसमें हमारे ICBM वगैरह वो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। दूसरा, कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, हालांकि कन्वेंशनल वार होराइजन पर ना हो, लेकिन जब तक आप मजबूत नहीं रहेंगे तो हो सकती है। और तीसरा है जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, जिसमें खासकर आर्मी, अब हम ये तो कह देते हैं मेन रोल नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये भी सही नहीं है कि मैं बॉर्डर पर खड़ा होकर पार देखता रहूं कि जब हमला आएगा तो रोकूंगा और पीछे से देश टूट जाए। तो आर्मी जो इंटरनल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व है वो रहेगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी, उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो शायद स्मॉल बजट की रिक्वायरमेंट है, उसमें जैकेट्स भी हैं, उसमें नाइट विजन डिवाइसेस भी हैं, उसमें लेजर, बिल्कुल, तो वो तीनों आधुनिकीकरण साथ साथ चलते रहे। तो मॉडर्नाइजेशन पर भी फोकस होना चाहिए, जैसा कि शेखतकर कमेटी में साफ तौर पर कहा गया है कि जो डिफेंस का बजट है जो हमारे GDP का 3% तक होना चाहिए, इसके लिए यह भी जरूरी है कि मॉडर्नाइजेशन हो, मेक इन इंडिया पर ज्यादा फोकस करने की बात साफ तौर पर कही गई है। लेकिन और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, या फिर और क्या कुछ निकल कर आ सकता है इस बजट के अंदर डिफेंस क्षेत्र के लिए, इस पर चर्चा जारी रहेगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारत की प्रमुख बहुराष्ट्रीय साधारण बीमा कंपनी की तरफ से सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहां गए, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप
खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए, अब नहीं तो कब। अरे भाई रमेश सर, आज मैं तुम्हें कैश नहीं दे पाऊंगा, बैंक से निकालना भूल गया। अरे सर कैश वैश छोड़िए, अरे ये देखो सर, SBI पे डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, पे का VPA डालो, बस हो गया ट्रांसफर। सिंपल भी, बिल्कुल सेफ भी। सर कैश की आदत बदलो। आपकी अघोषित आय की घोषणा लिखेगी एक नई कहानी, पढ़ेगा हर बच्चा शिक्षा की ओर और मिलेगा सबको अन्न हर रोज, साकार होगी हर गरीब की उम्मीद, स्वास्थ्य सेवाएं पाएंगे जरूरतमंद मरीज, सर्दियों में फुटपाथ पर सोने वालों को देगा ये एक छत की गर्माहट, मासूम चेहरों पर लाएगा ये खुशियों की मुस्कुराहट। कराधान और निवेश व्यवस्था के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में निवेश करके निर्धनों की सहायता करें एवं स्वयं को काले धन के बोझ से मुक्त करें, योजना 31 मार्च 2017 तक लागू। इस योजना में अघोषित आय का 25% अनिवार्य रूप से 4 वर्ष के लिए बिना ब्याज जमा कराना होगा तथा अघोषित आय का कुल 49.90% कर सरचार्ज तथा शास्ति के रूप में भुगतान करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। Valvoline unstoppable, मैं unstoppable. Change to Valvoline, be unstoppable. स्वागत है आपका एक बार फिर से इस खास कार्यक्रम में, और अब जो सेगमेंट है बजट यात्रा का, इसमें हम देख लेते हैं OROP पर हमारी संवाददाता नंदिता डागर की रिपोर्ट। पिछले साल के आम बजट में मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के एरियर्स के तहत 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था, जिसमें से 6,300 करोड़ रुपए रिटायर्ड फौजियों के खातों में जा भी चुके हैं। वन रैंक वन पेंशन एक 4 दशकों से भी ज्यादा पुरानी डिमांड है, जिसे मोदी सरकार ने सितंबर 2015 में मंजूरी दी थी और नवम्बर 2015 में इसे नोटिफाई कर दिया। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है कि जो सैनिक एक ही रैंक पर एक ही जितनी लंबी सर्विस के बाद रिटायर हुए हैं, उन्हें एक जितना ही पेंशन मिले। OROP की स्कीम पर हर साल 7,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी होगा, जहां UPA की सरकार ने सिर्फ 500 करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए रखा था। अभी तक 19,70,000 पेंशनर्स को उनकी पेंशन दे भी दी गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि 2017 के आम बजट में वन रैंक वन पेंशन को आवंटित किए जाने वाली राशि बढ़ा दी जाएगी। कैमरा पर्सन गोपाल दास के साथ नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह नंदिता बता रही है हमको कि यूपीए के सरकार में, पिछली सरकार में देखा कि 500 करोड़ का आवंटन किया गया OROP के लिए, जो काफी लंबे समय से जिसकी मांग की जा रही थी, लेकिन इस सरकार का फोकस कहीं ना कहीं दिख रहा है इस चीज के ऊपर कि जो हमारे सोल्जर से जवान है उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए काफी फोकस्ड है। 10,900 करोड़ रुपए का आवंटन कर चुके हैं, 7,500 करोड़ हर साल जो रिकरिंग आएगा, तो सरकार तैयार है उस बोझ को उठाने के लिए फाइनेंशियली। इस कदम को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, डिफेंस की तैयारी में 2 जुज है। पहला तो है कि सैनिक जो लड़ेगा उसका मनोबल ठीक होना चाहिए। ये ओरप का मुद्दा एक बड़ा इमोशनल मुद्दा आज के दिन, ये इस तरह पेंशन को लागू है, लेकिन आज का सैनिक भी कल का पेंशन है तो उसको भी इसमें दिलचस्पी है। कांग्रेस सरकार ने 10 साल कुछ दिया नहीं, जब वो इलेक्शन से पहले जाने वाले थे तो एक टोकन अमाउंट 500 करोड़, उनको भी पता था वो काफ़ी नहीं है। BJP सरकार ने OROP को सब्सटेंशियल तौर पर दिया है, लेकिन सरकारें यही करती हैं, फिर भी छोटा रख लेती हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुंदक रहती है। उम्मीद है सरकार से बातें हो रही हैं, डिफेंस मिनिस्टर से मिलते रहते हैं कि ये जो कमियां हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, अगर उन्होंने जो दिया है उसको देखें तो ये भी पूरी हो जानी चाहिए, हो जाएगी। ठीक है, तो OROP एक मुद्दा है। बजट में
दो हिस्से होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। ये रेवेन्यू के नीचे आता है जो फौजों को मेंटेन करने के लिए उनकी तनख्वाहें, उनकी अकोमोडेशन, उनके राशन, वो 60-40 का प्रोपोर्शन होना चाहिए। लेकिन रेवेन्यू, क्योंकि कभी पे कमीशन आ जाता है तो बजट बढ़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं, हम तो सोशल कंट्री हैं, जब भी सिविलियन की पे बढ़ेंगी तो फौजियों की भी बढ़ेंगे, तो एक तरह से उनका रेवेन्यू बढ़ता है, बिल्कुल उनका भी मनोबल बढ़ेगा। लेकिन एक और चीज़ जो मनोबल बढ़ाती है, सरकार का फोकस जिस तरह से उदय जी, जो कि मॉडर्नाइजेशन के ऊपर है, नई टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के प्रति है, अगर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना डिफेंस क्षेत्र के अंदर, क्या लगता है जो हमारे डिफेंस PSUs हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपिटल अपने पास लेकर के बैठे हुए हैं, उनकी इफिशियंसी को क्या बढ़ाने की ज़रूरत है, और क्या इसका कोई डायरेक्शन या रोड मैप आपको बजट में दिखता आता हुआ? ये बहुत ज़रूरी है साहब, क्योंकि सबसे पहले सच्चाई ये है, आज गणतंत्र दिवस है, हमने कई सारे हमारे फौज के जितने भी इक्विपमेंट है हमने राजपथ के ऊपर देखा है, पर हकीकत ये है कि भारत जितना एक सॉवरेन रिपब्लिक है, जहाँ तक क्षेत्रीय अखंडता और स्वाधीनता का जो रक्षा करना है वो हम अपने कंधों के ऊपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपके रिपोर्ट में कहा गया है 70% जो हमारी इक्विपमेंट है, मेन इन्वेंटरी और प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो टैंक्स हो, लड़ाकू विमान, जहाज, पनडुब्बी, अभी भी हम इंपोर्टेड सोर्सेज के ऊपर आधारित हैं। तो मेक इन इंडिया और जो सेल्फ रिलायंस हमारे लिए एक बहुत प्रमुख एक उद्देश्य है, एक नेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं उन्होंने इसको बहुत फोकस दिया है। परंतु रियलिटी ये है कि जितने भी हमारे आशाएं हैं, इरादे हैं, तरह तरह के जो हम चाहते हैं, हमारी जो इकोसिस्टम है, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इनके अंदर एक रेडिकल परिवर्तन की ज़रूरत है, ठीक है। परंतु कई सारे रिपोर्ट्स बने हैं, मैं दो तीन रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, एक है केलकर साहब का रिपोर्ट, दूसरा है रामाराव साहब का रिपोर्ट, तीसरा है गुप्ता जी का रिपोर्ट, इनमें कई सारे उन्होंने प्रपोजल्स दिया है इसको एक प्रकार से परिवर्तन लाने के लिए। परंतु हमारी जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है पिछले 50 साल से, हालांकि अगर वो ज़्यादा है मैं कहूँगा शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद, नरसिम्हा राव साहब के ज़माने से लेके आज तक, हम वो दृढ़ता को लागू नहीं कर पाए। तो अभी मैं यही संक्षेप में कहूँगा, वी नीड रेडिकल मॉडर्नाइजेशन, एंड जो हमारे ढांचे हैं उनको बहुत मैं कहूँगा कि रेडिकल तरीके से बदलाव लाना चाहिए, स्ट्रेंथन करने की, स्ट्रेंथन नहीं, उनको डिसमेंटल भी करने की जरूरत होगा, और हमको वो कदम लेना वो उतना ही अहम है। अगर नरसिम्हा राव साहब ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया है, मोदी साहब को सिक्योरिटी लिबरलाइजेशन करने की जरूरत है। हम लोग जहां तक R&D की भी बात कर लेते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, क्योंकि अगर हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो बात यहाँ पे ये भी हो रही है कि मेक बेस्ट प्रोडक्ट्स इन इंडिया, उस पर भी फोकस है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना फोकस होना चाहिए जिस तरह से बजट एलोकेशन किया जाता है, क्या लगता है कि इस बार बजट R&D को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, DRDO को वहां पे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, चाहे वो कैपिटल वाइज हो या अन्य क्षेत्र में हो, उस पर किस तरह से फोकस आपको दिखता है? देखिए, अगर आपने मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं तो DRDO को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आज गणतंत्र दिवस पर पहला एक इक्विपमेंट जो DRDO ने प्रोड्यूस किया है, वो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, धनुष तो सिर्फ बॉफोर्ड की कॉपी है, बात कर रहा है बिल्कुल, लेकिन इसको DRDO ने प्रोड्यूस किया जिसके 2017 में ट्रायल है और उम्मीद है बहुत कामयाब होगी। शुरुआत हुई, लेकिन मेक इन इंडिया तो 15-20 साल लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन शुरुआत हो गई है, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमारे 8 PSUs हैं, हमारी 41 ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज हैं, वो अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, लॉस में चलती रहती थी, कोई रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं थी उनमें, वो होनी चाहिए। ठीक है, वो होनी चाहिए, इस पे बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप बने रहिए इस खास कार्यक्रम के साथ। द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारत की प्रमुख बहुराष्ट्रीय साधारण बीमा कंपनी की तरफ से सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ, ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे, 1 रुपया छुट्टा दीजिए, इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़े। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem.
being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा है? चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। अरे जग्गू, कल चाय पर आ रहा है ना? नहीं यार, घनसु कुछ दिन से पीछे पड़ा हुआ है आधार बनवाने के लिए। इस उम्र में क्या जरूरत है आधार बनवाने की? आधार से तो मैंने बैंक खाता भी लिंक कराया है, जिससे मेरी गैस सब्सिडी सीधे मेरे खाते में आ जाती है। यही नहीं, जो मेरे यहाँ शांति काम करती है ना, उसे भी आधार से विधवा पेंशन मिलने में आसानी हुई है। आप उम्र के किसी भी पायदान पर हो, आधार आपको सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं को पाना आसान बनाता है। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% लॉटरी लगी तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमें डांट पड़ती थी क्योंकि हम स्कूल जाने से मना करते थे, और कुछ लड़कियों को इसलिए डांट पड़ती है क्योंकि वो स्कूल जाने की जिद करते हैं। जिद उसकी, जुनून उसका, संघर्ष उसका, पढ़ने की चाह उसकी। आप तो बस थोड़ा हौसला दे दीजिए और बुलंद हो जाएगी हिम्मत उसकी। वो तो स्कूल जाएगी अकेली, सबसे लड़के या हमारे सहयोग से, बस ये देखना है। ये कहना काफी नहीं है कि स्कूल जाना हर लड़की का हक है, हमें उन्हें वहां तक पहुंचाना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस खास कार्यक्रम में। और चलते चलते उदय जी, आपसे अगर क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहें, क्या वो बिग आइडिया आप देखते हैं इस बजट में आते हुए डिफेंस के लिए? साहब, अगर जेटली साहब ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारा एक ही विनती या आशा है कि पिछले 8 साल लगातार डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर हम GDP का तुलना में देखें, ये हर एक साल सिकुड़ रहा है, घटता जा रहा है। फ्रॉम 2.19% अभी ये 1.65% बन गया है। तो जेटली साहब से यही रिक्वेस्ट है कि साहब ये पैटर्न को चेंज करिए, अभी डिक्लाइन मत करिए। ठीक है कादियान साहब। देखिए, सेनाओं को फिट रखने के लिए दो चीजें कंपीटिंग होंगी, एक तो कमियों को पूर्ति करें, दूसरा आधुनिकीकरण, वो तो एक सिलसिला है। ठीक है, एयरफोर्स में बहुत बड़ी कमियां हैं, नेवी में सबमरीन स्ट्रेंथ हमको और बढ़ानी है क्योंकि हमारे तट की 7500 किलोमीटर लंबाई है। परसेंटेज में फिर कहता हूँ इज नॉट द इंडिकेटर, टोटल क्वांटम आप कितना देते हैं बजट को वो इंडिकेटर, लेकिन बजट की ना आज तक कमी हुई है ना आगे उम्मीद है होगी। तो एफिशिएंसी को दूर करने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया उदय जी और कादियान साहब आपका इस शो पर, आपने जो तमाम राय शुमारी की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस शो का निष्कर्ष या कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि डिफेंस के अंदर एक तो बजट को जो एलोकेशन है उसे बढ़ाने की जरूरत है, जरूरत इस बात पर भी कि किस तरह से डिफेंस के PSUs को की जो एफिशिएंसी उसे बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया है डिफेंस के क्षेत्र के अंदर इसे भी इस पर भी फोकस किया जा सके, और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर खास फोकस होना ही चाहिए। तो चलिए, आज के इस अंक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।